नैनीताल शहर की खूबसूरती इसके पर्यटन स्थलों के साथ साथ इसके प्राचीन इतिहास से भी है। जब भी हम नैनीताल की ऐतिहासिक गतिविधियों का वर्णन करते हैं तो उसमें ब्रिटिश काल के साथ साथ पौराणिक कहानियों और लोक गाथाओं का भी जिक्र किया जाता है। ऐसे में एक लोक गाथा नैनीताल की इतनी प्रचलित है कि जिसे कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं भी, लेकिन इस लोकगाथा को जानने के बाद एक बार मन में प्रश्न जरूर आता है कि क्या ऐसा हो सकता है या यह महज एक कहानी है। वैसे इस वीडियो का कंक्लूजन हम बाद में निकालेंगे, पर उससे पहले जरूरी यह है कि कहानियों का जिक्र अक्सर जीती जाती घटनाओं पर आधारित होता है। जहां पुराने समय से कहा जाता है कि नैनीताल में एक मत्स्य कन्या रहा करती थी जो सुबह के समय झील से बाहर निकलकर कुछ पल ठंडी सड़क में बैठकर समय बिताती थी। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और वीडियो को देखने के बाद अपने तर्क कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नैनीताल में जलपरी या मत्स्य कन्या को 1830 से 1940 के मध्य तक कुछ लोगों ने देखा था, जहां लोगों ने क्लेम किया था कि एक महिला रूपी विशाल मछली कुछ देर झील से बाहर निकलती है और लोगों को देखने के बाद अचानक से झील में कहीं गायब हो जाती है। इसकी काफी जांच पड़ताल करने पर बताया गया कि ये सुनंदा माता है जो नैनी झील में आज भी निवास करती है और नैनीताल की रक्षा करती है। अब आपको बता दें कि सुनंदा माता वो ही हैं जिनका नैनीताल में नंदा सुनंदा नाम से एक भव्य मेला लगता है, जहां नंदा सुनंदा का डोला भक्तजन अपने कंधों में साड़ते हैं। यदि हम नंदा सुनंदा देवी को अगर ध्यान से देखते हैं तो आप इनमें मछली की आकृति को देख सकते हैं और इनके मुकुट का डिजाइन भी मछली के स्वरूप ही दिखता है। साथ ही में इनके शरीर का वर्णन कोई भी स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाया है, जिससे कुछ हद तक उस प्राचीन काल में देखी गई जलपरी का रहस्य नंदा या सुनंदा देवी को ही दिया जाता है। लेकिन अधिकांश लोग इस जलपरी को सुनंदा माता से ही जोड़ते हैं, क्योंकि मां नंदा देवी पहाड़ों में विराजमान हो गई थी और मां सुनंदा देवी नैनीताल में ही रही। अब आइए उन प्रचलित दो कहानियों को थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि कब और किसने नैनीताल में उस जलपरी को देखा जो आज तक बस एक रहस्य बन गया है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि अगर आप नैनीताल मीनिया YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। लोग बताते हैं कि 1890 के समय में देव सिंह रोजमर्रा की तरह सुबह के वक्त नैनी झील के इर्द गिर्द जाते थे। देव सिंह उस समय छोटे मुनीम थे जो अपने पिता के व्यवसाय में देखरेख करते थे। उस समय देव सिंह सुबह के समय रोजमर्रा की तरह ताल के इर्द गिर्द देखरेख कर रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक लगा कि सुबह के समय कोई ताल के किनारे बैठा हुआ है जो कुछ हद तक इंसानों की तरह दिख रहा है। अब देव सिंह जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि सामने एक महिला बैठी है जिसका धड़ मछली के समान है। लेकिन जैसे ही वह देव सिंह को देखती है तो वह तुरंत ताल में कूदकर कहीं अदृश्य हो जाती है। यह देखकर देव सिंह के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है और वे इसकी सूचना अन्य लोगों को भी देते हैं, मगर लोग उनकी बात को झुटला देते हैं। दूसरी कहानी नैनीताल के साहा लोगों की है कि जब साहजी लकड़ियां लेकर ताल के किनारे से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि सुबह के समय एक विशाल मछली नुमा इंसानी प्राणी एक चट्टान के किनारे बैठा पड़ा है और कुछ मधुर संगीत में गीत गा रहा है। अब इस बात को लेकर लोगों में कहा सुनी काफ़ी बार हुई, मगर ना मानने वाले लोगों ने इसे काल्पनिक कहानियों से जोड़ दिया। अब दोस्तों, यह कहानियाँ 100 से 150 साल पुरानी है, जिनमें यकीन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है,
मगर ब्रिटिश काल के दौरान भी कुछ अंग्रेजों ने दावा किया था कि नैनीताल में इंसानी आकार की मछलियों का अस्तित्व है और आप इस फोटो में एक विशाल मछली को भी देख सकते हैं। खैर, कहानियों का संबंध लोग पौराणिक साहित्यों से भी जोड़ देते हैं जिन्हें आज के लोग सुनना जरूर पसंद करते हैं। मगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा कि क्या नैनीताल में सुनंदा माता का मत्स्य रूप में होना क्या वास्तविक हो सकता है? आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं कुछ अन्य रोचक कहानियों के साथ। और नए लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो नैनीताल मीनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।